ईडी ने देर रात संजय राउत की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन उससे पहले पात्रा जमीन घोटाले में ईडी के एक्शन पर राजनीति शुरू हो गई। संजय राउत के मैत्री बंगले पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सबसे पहले पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को 28 जून को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन गिरफ्तारी की नौबत आई तो संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए। इसके बाद संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को ईडी ने बुलाया, लेकिन वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे। संजय राउत ने पहले संसद के मॉनसून सत्र और फिर राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देकर पेशी से छूट की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब ईडी की छापेमारी को शिवसेना ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार 4 बार 10 बार। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे 1034 करोड़ के घोटाले से जुड़े कई बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। बताया गया कि ईडी ने संजय राउत से उनके घर की पहली मंजिल पर पूछताछ की। इस दौरान ईडी के अधिकारी तलाशी में भी जुटे रहे और उसी वक्त संजय राउत के परिवार को मैत्री बंगले के दूसरे फ्लोर पर रखा गया। महाराष्ट्र में कैसे 1034 करोड़ का घोटाला हुआ और उसमें संजय राउत का नाम सामने आया, इसे समझना भी जरूरी है। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माडा की तरफ से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का काम मिला। इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पात्रा चौल में 672 किरायेदारों के घरों को विकसित करना था। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने माडा को गुमराह किया और जमीन 9 बिल्डरों को करीब 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। आरोप तो ये भी है कि बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मीडोज के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटाए। जांच में सामने आया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से करीब 1034 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। आगे चलकर उसने गैर कानूनी तरीके से ही इस रकम को अपने सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा का नाम इस लैंड स्कैम में आया। तो जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत के घर पर दबिश दी है और उस मामले में उनकी पत्नी और दोस्तों के नाम सामने आ रहे हैं। ईडी के मुताबिक आपको बता दें कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सिस्टर कंपनी है। जांच में सामने आया कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए हैं। प्रवीण राउत को संजय राउत का दोस्त माना जाता है। आरोप है कि साल 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और इस पैसे से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। ईडी की जब जांच शुरू हुई तो वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए वापस माधुरी के खाते में जमा करा दिए। और सीधे रुख कर लेते हमारे सहयोगी दिवाकर का, जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। दिवाकर, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चली है अभी तक और इसमें राजनीति भी देखी जा रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो झूठ पर आधारित है, बदले से प्रेरित है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार हमलावर रही। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है राजनीति के गलियारों से?
देखिए साफ तौर पर शिवसेना में जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी उसके शिवसेना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने थे, उसमें तीन पार्टियां शामिल थी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। एनसीपी और कांग्रेस ने इस पूरी गिरफ्तारी का विरोध किया है और यही वजह है कि 10 बजे एनसीपी जो है और संजय राउत के समर्थन में इसी ईडी दफ्तर पर, जो कि यहां पर संजय राउत इस वक्त मौजूद हैं, इसी ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन करेगी, संजय राउत को सपोर्ट दिखाने की कोशिश और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कि पूरा विपक्ष जो है अब उनके साथ है और वो घबराए नहीं। और ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगाती नजर आ रही है, कल से ही जब ईडी की टीम पहुंची थी संजय राउत के घर पे, तब से बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे थे कि आखिर अगर संजय राउत को डर नहीं है तो एजेंसी के सामने जाने से घबरा क्यों रहे थे, 20 जुलाई और 27 जुलाई को वो पेश क्यों नहीं हुए एजेंसी के सामने, अगर सवालों से उन्हें डर लग रहा था अगर तो फिर वो जिस तरह से स्किप हो रहे थे लगातार तमाम समन्स के बाद। और ऐसे में जो सियासी घमासान ये मचना तय था, क्योंकि संजय राउत शिवसेना के वरिष्ठ नेता और शिवसेना के सांसद हैं और सबसे अहम बात यह कि दिल्ली में शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा में ग्रुप लीडर हैं वो, तो ऐसे में आज राज्यसभा में भी हंगामा इस मुद्दे को लेकर हो सकता है। जब संसद सत्र शुरू होगा तो संजय राउत की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है वो संसद में गूंज सकता है और हंगामा इस पूरे मामले पर शिवसेना के तमाम जो अन्य सांसद हैं, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, अरविंद सावंत हो, तमाम जो सांसद हैं वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश संसद सत्र में करेंगे, यानी कुल दिखाने की कोशिश है कि शिवसेना के साथ साथ एनसीपी कांग्रेस भी संजय राउत के साथ है, वो डरे नहीं बल्कि उनके साथ है और लगातार इस गिरफ्तारी का विरोध करते रहेंगे। बिल्कुल, तो राजनीति गरमाने वाली है इस मुद्दे को लेकर, आज पूरे दिन उस पर नजर रहेगी। ईडी की छापेमारी के दौरान संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं, ऐसे में ईडी संजय राउत से इस कैश के बारे में भी पूछताछ करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर संजय राउत के भाई सुनील राउत का कहना है कि ये पार्टी का पैसा है और इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लिखा हुआ है। जब राहुल साहब और सब पूरे पार्टी जो अयोध्या गए थे उनकी वो बैलेंस थी चेंज, उसके अंदर जब 10 लाख लिया उसके अंदर एकनाथ शिंदे अयोध्या ऐसा नाम भी लिखा हुआ है, मीन्स ये पैसा पार्टी का है, एकनाथ शिंदे ने दिया हुआ पैसा है। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की, जिया नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए टीआरपी के सारे रिकॉर्ड, 29.6% मार्केट शेयर के साथ सीएनएन न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर वन पर है। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ सीएनबीसी टीवी 18 दूसरे चैनलों से मीलो आगे है और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर वन, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर वन, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर वन न्यूज चैनल, तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।